وأحسن منك لم قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء

आज के सबक के दो मौजूद हैं पहला उसमें यह है कि क्या हम लोगों की अक्सरियत मतकबर है दूसरा क्या हम आखिरत के वजूद से इनकारी हैं इसके साथ ही साबिन कराम आइए आज के सबक का आगाज करते हैं सबसे पहले गुज्ता सबक की दोहराई होगी तुम्हारा मबूद मबूद यकता है बस जो लोग आखिरत पर ईवान नहीं रखते उनके दिल मुनकिर है और वो सरकशो मतकबर है सूर्य नहर आयत नंबर बाईस स्वामी इकराम पहले तर्जुमा इलाहुम वाहिद इला तुम्हारा मबूद एक महबूद है फल लजी न लायु मिनुन न बिल आख़िरत बस वो लोग जो ईमान नहीं रखते आखिरत पे क़लूब हम उनके दिल इनकारी हैं मस्तबर और वो तकबर कर रहे हैं स्वामी इकरम अल्लाह ताली हमारा इलाह वाद है और अल्लाह ताला की तोहद को जान से तस्लीम कर लेना हमारी कामयाबी की वाद दलील है क्योंकि अल्लाह ताला को आप इलाह वाहिद जब ही तस्लीम करेंगे जब वो आपका मकसूद बन जाए हाँ। क्योंकि जब तक अल्लाह आपका मकसूद नहीं है आप उसको अगर ज़बानी तौर पे इला वाहिद तस्लिम कर भी रहें लेकिन आमली तौर पर आप उसको इलाह वाहिद नहीं बना सकते ये बात नोट कर लें क्योंकि हम लोग बहुत बड़ी ग़लतफ़हमी में मुबला हैं सामिन इकर ज़ुबान से तो कलमा तोहद पढ़ते हैं लेकिन आमला उसके ख़िलाफ़ काम करते हैं सामने इकराम अल्लाह की, अल्लाह तल्ला के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है तौर पर यह बहुत ख़तरनाक बात है और बहुत नुकसान वाली बात है नुकसान वाली बात है जो हमारे खिलाफ जा रही है और एक तो यह है कि यह बहुत बड़ा धोखा लगा हुआ है यानी धोखा क्या लगाए कि हमने हम समझते हैं कि जबानी कलमाए इकरार से हम जन्नत के मुस्तक बन सकते हैं ऐसा हरगिज़ नहीं है ईमान का जहां भी अल्लाह ताला ने तस्करा किया है वहां अमल सालेह की शर्त लगाई है सामने क्राम कि अमल साले जरूर होना चाहिए अगर आमल साल नहीं है सामने मैं एक बात मैं कह रहा हूँ इसको ज़रा नोट करें अगर आमल साल नहीं है इसका मतलब यह है कि आपके यकीन में कमी है आपका यकीन देखें हमारे आमाल हमारे यकीन की बुनियाद पे जहूर पजीर पाते हैं ये एक छोटी सी बात है इसको ज़रा नोट करें इंसान वही कुछ करता है जो जिसपे इसका यकीन हो देखें हम दुनिया और माफिया के लिए कोशिशें कर रहे हैं एक बात मैं करूँ दुनिया और सारी कोशिशें हमारे दुनिया और माफिया के लिए हैं इससे इससे हमारे दिल के यकीन का पता लगता है कि हमें यहाँ दुनियावी ज़िंदगी पे यकीन है तो जब आपकी तरजीह जो है दुनिया की ज़िंदगी बन गई फिर आखिरत को भूल जाएं मेरे कराम फिर जन्नत को भूल जाएं और दो को तो हम भुला ही चुके हैं सब कुछ भुला दे, फिर करते रहें जो करना है फिर जो करना है करते रहें अल्लाह ताला फरमाता है मर जाए हुकुम तुम्हें मेरे पास वापस लौट के आना मैं तुम्हें बताऊंगा, दो मैंने तुम्हारे लिए तैयार कर रखी है सामने कराम ये न समझे कि दो किसी और के लिए है दो उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताली की तोहिद से इनकार कर देते हैं क़ला नहीं अमला ज़ुबान से कह भी दिया ला अला तो क्या हासिल दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं तो सामने क्रम बात यह है कि ये सारी बातें हैं इसको ज़रा नोट कर लेना चाहिए जो हम आयत पढ़ रहे हैं सूर नहल की आयत नंबर बाईस इसमें बहुत बुनियादी मजमून है आज मैं आयत के जो दूसरा हिस्सा है फ़ल्ज़ीनाबिल आख़िरत जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकारी हैं क्या मतलब किस चीज़ से इनकार है अल्लाह ताला की तोहिद से इनकारी है क़लूब हम मुन के रत देखें इसमें एक सादा सा अल्लाह ताला, ताला ने बहुत बलीग जुमला है फल लजीना लाबिल आखिरत क़लूब हम मुनकर जिनका यकीन आखिरत पे नहीं है उनका दिल अल्लाह ताला की तोहीद को मानने से इनकारी है साम्य इकराम जिस तरह हमारा दिल इस माशरे का जिसमें मैं और आप रह रहे हैं इसका दिल इनकारी है अल्लाह ताला की तोहीद को या अल्लाह ताला के सामने सर झुकाने को सर झुकाने से इनकारी है ये यानी इसमें दलाइल की ज़रूरत नहीं है ये आम जिंदगी में आप देख लें माल हराम को हम जिस तरीके से खाते हैं सामने कराम रिश्वत सतानी है और एक दूसरे का पैसा नाजायज़ तरीक़े से अल्लाह ताला ने वाज़ तौर पे कह दिया है लाता क्लु अमवा कुम्बा न कुम्बिल बातिल एक दूसरे का माल बातिल तरीक़े से न खाओ लेकिन हम खाते हैं और ख़ुशी महसूस करते हैं जो आग हम अपने पेटों में डाल लें उस पर हम खुशी महसूस करते हैं तो ये इंतहाई मतलब एक ऐसी सूरत हाल है कि बिल्कुल ग़ैर यकीनी है यानी एक बात अगर मैं कह दूं तो आप इसको सुने और अंदाज़ा लगाएं कि मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि हमें आख़िरत पर यकीन नहीं है ला युमिनबिल आखिरत का जो मुजरिम है आखिरत से इनकार करने के मुजरिम हम खुद हैं सामने का आप देख लें माशरे को माशरे को देख लें किस तरफ जा रहा है ये दुनियादारी की तरफ जा रहा है दुनिया इसको महबूब है अब दुनिया जिस तरीके से भी इसको हासिल होती है ये खुशी महसूस करता है माल हराम ये एक चंद एक मिसालें हैं जो मैं इसलिए बयान करता हूँ कि ये आप आम तौर पे देख रहे हैं हराम हलाल की तमीज़ जो है माशरे से उठ गई है एक आदमी दफ्तर में बैठा है वो रिश्वत भी ले रहा है और नमाज का वक्त आता है तो नमाज के लिए चला जाता है फिर हज का सीज़न आता है तो हज करने निकल पड़ते हैं उसी हराम माल से या मैं नहीं कह रहा ठीक है वो हराम माल भी ले रहा है तनख्वाह से उसने हज किया है लेकिन कमाई तो सारी हला हराम हो गई सामने ग्राम और वहाँ जाके अल्लाह से दुआएं मांगता है ये तो हदीस में है कि उसका खाना हराम है लिबास हराम है और वो या ला या अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद कर रहा है ऐसे अल्लाह ताला सदाएं नहीं सुनता है तो यहाँ आज के सबक का एक नुक्ता है सामने निकला फ़ल लज़ीन ला यूमिनून बिल आखिर जो लोग आख़िरत पर जिनका यकीन नहीं है उनके दिल इनकारी हैं देखें मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि क़ुरान की हर बात हमारे लिए हिदायत है या हमारे मुाफ़ है या हमारे ख़िलाफ़ है या तो हम उसके मुताबिक हैं या उसके बरखिलाफ़ ज़िंदगी गुजार रहे हैं अब इस आयत को इसके तराजू में हम अगर, अगर अपने आप को देखें तो इसका मतलब यह है कि हाँ हमने इनकार किया हुआ है आखिरत का ईमान नहीं है आख़िरत पे ईमान नहीं है तामिन कर इसमें कोई लंबे चौड़े दलाईल की ज़रूरत नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि देखें हमारी सारी कोशिश र माशरे की सारी कोशिशें जाहिर के लिए चंद अफ़ाल जो आप जिसको आप इबादत अब करार देते हैं वो दीन नहीं है वो हकीकत में दीन नहीं है वो एक ज़ाहिरदारी है वो एक रिवाज है वो माँ बाप की डाली हुई आदतें हैं कि आपने अजान हुई तो आपने नमाज पढ़ ली रमज़ान का महीना आया तो आपने रोज़े रख लिये ज़क़ात दे दी हज कर लिया ये ये तो मरबजा आदात हैं जो हम कर रहे हैं बग़ैर किसी मकसद के आज अगर मैं ये कहूँ ना कि हमारे ज़िंदगी गुजारने का मकसद अगर है तो वो सिर्फ़ दुनिया है आखिरत हमारा मकसूद नहीं है तो ये शायद फ़लजी न लायुमिन बिल आख़िरत क़लूब हम जो लोग आख़िरत पर ईमान नहीं लाते हैं उनके दिल इनकारी हैं बहुम मुस्तकबर और वो तकबर कर रहे हैं तकबर क्या चीज़ है सामने निकलना तकबर अपने आप को बड़ा समझना अब बड़ाई तो सिर्फ अल्लाह के लिए है सामने निकलना हम आ, असल में बात यह है कि हम तो कुरान पे सोच समझ फिक्र ये कुछ भी नहीं है तकबर बड़ा समझना अब बड़ा समझना यानी कुरान के हिसाब से अगर आप इसको सोचेंगे तो तकबर ये नहीं है कि मैं अल्लाह से बड़ा हूँ नाउज़बिल्ला बिन सालिक ये, ये तो कोई भी नहीं कह सकता हकीकत में तकबर क्या है या क़ुरान हमें क्या इसकी तालीम और तफसील बताता है क़ुरान की नज़र में एक मुख्तसर मैं बात कह दूँ अल्लाह की नज़र में हर वो शख्स जो अल्लाह ताला के अहकाम को नजरअंदाज करके ज़िंदगी गुजार रहा है चाहे उसने ज़बानी कलमा पढ़ा है या नहीं पढ़ा इससे बहस नहीं है लेकिन अगर कोई शख्स अल्लाह ताली की हिदयात हिदायत खुदाबंदी जो कि जो कि दीन हमें बताता है जो कुरान हमें बताता है जिसमें अमल का तरीका हमारे हुजूर ने हमें बताया है अगर कोई शख्स उस तरीके के अलावा कोई और तरीका अपना ले तो ये तकबर है सामने कहा ये मतकबर है ये एक जुमला सादा सा आप सुन लें आप मतकबर कौन है जो अल्लाह तला की हिदायत के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजार रहा और न गुजारने पे तैयार हो रहा है बहुत से लोग हैं सामने काम जो सुनते हैं लेकिन अमल नहीं करते और हमने बनी इसराइल का वो वतीरा अपना लिया है वो आदत हम में आ चुकी है वो ये कहते थे वकालू समय ना व असैना हमने सुना लेकिन हम मानते नहीं हैं हम नहीं मानेंगे हम नाफरमानी करेंगे यानी उन्होंने कौल से नहीं कहा था ये उन्होंने अपने अमल से यह कहा था नहीं अमल करते थे बोलो इसी तरह हम कौन सा अमल कर रहे हैं देखिए कुरान को हमने पसे पुष डाल दिया है अल्लाह की याद को हमने वद तखस्त मुँह हो अकुम जहरिया अल्लाह की याद को हमने पसे पुष डाल दिया है अल्लाह ताला तो हमें बुला भी ऐसा नहीं कर अल्लाह ताला के अहकाम देखिए इंसान वो है जो अल्लाह के हुक्म जो के अल्लाह के हुम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे वो इंसान है अगर नहीं गुजारे तो वो फिर हैवानों से भी बदतर है ये भी मैं आपको बात बता दूँ जानवरों से भी बदतर है और क़ुरान ने कहा है उला का कल अन आम बलहम अदल ये इनकी मिसाल जानवरों की सी है लेकिन उससे भी वो गए गुज़रे हैं जानवर तो अपनी फितरत पे मजबूर हैं सामने इकराम वो तो इताते खुदाबंदी में मजबूर हैं गाय जो है कभी गोश नहीं खाएगी शेर जो है कभी घास नहीं खाएगा मजबूर हैं तो जब मजबूर हैं तो फिर यह है कि सामने इकर बहुत ऐसी सूरत हाल है जिसपे हमें सोचना है और समझना है देखिए मुस्तबिरून के देखना हमें यह है कि हम मतकबरी में आते हैं कि नहीं और मतकबरीन का ठिकाना जो है आपको मालूम है कि दो दोजख है मतकबरीन बहुत मतकबरीन का बहुत बुरा ठिकाना है दो दोजख जो है सामि इकर गुज़ारिश ये है कि जो अहकाम खुदाबंदी हैं जो कि कुरान है इसको हल्का ना लिया करें इसको आसान न लिया करें बल्कि ये तो अल्लाह का कलाम है अल्लाह की हिदायत है, और हदायत खुदाबंदी यानी इसके मुताबिक आपने अगर ज़िंदगी नहीं गुज़ारनी या नहीं गुज़ार रहे तो आप का, यानी आप फिर मतकबर हैं अगर आप मतकबर हैं तो फिर यह है कि मामला जो है फिर हमारे साथ जन्नतियों वाला मामला नहीं होगा ये मैं आ, आसान अल्फाज में आपको कह रहा हूं जन्नतियों वाला सलूक नहीं होगा ना रूह निकालते वक्त ना कबर में ना हशर में ना इसके बाद जो मराहिल हैं जन्नत या दोजख, जन्नतियों वाला सलूक नहीं होगा वो दोजखियों वाला वाला मतकबरीन का सलूक होगा तो ये साविन इक्राम दो आज के सबक में दो चीज़ें हैं दो चीज़ें देखने के काबिल हैं तोलने हमें अपने आप को इसमें तोलना है आया हम आखिरत के बारे में यक़ीन में हैं लान बिल आखिर जो लोग आखिरत पर जिनका यकीन नहीं है हम देखें कि क्या हमारा यकीन है देखें यक़ीन से अमल पैदा होता है वो शायद ने कहा है ना कि अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी ये खा कि अपनी फितरत में न नूरी है न ना नारी है अल्लाह अमल से ज़िंदगी बनती है तो स्वामी निक्रम अगर हमारे आमाल ये बात नोट कर लें कि हमारे आमाल हमारे यकीन की गवाही दे रहे हैं और देते हैं अगर ये आखिरत पर यकीन है हमारा तो हमारा अमल उसकी गवाही देगा और अगर यकीन नहीं है तो भी हमारा अमल उसकी गवाही देगा आज मैं और आप जिस माहौल में रह रहे हैं सामने का तो इसमें मालूम ये होता है कि हमें सारी हमारी कोशिशें तवज्जो दुनिया की तरफ है ज़ाहिर की तरफ है इसका मतलब क्या है कि आखिरत पे हमारा यकीन नहीं है। और उसका नतीजा क्या है कि हम मतकबर हैं वह हम इस आयत में क्या है कि जो लोग आखिरत पर यकीन नहीं रखते वो मतकबर हैं उन्होंने अपने आप को बड़ा समझा हुआ है और जाहिर है म इकराम इसमें क्या मतलब मुश्किल मुश्किल है समझने की कि आप अल्लाह के हकम को एक काम आपके सामने पेश आया, अल्लाह ताला के तहकाम को नज़रअंदाज़ कर देते हैं दफ्तर में मिसाल के तौर पर ये मिसालें मैं इसलिए देता हूँ कि ये आम माशरे में चपरासी से लेकर ऊपर तक आप देखें 2016 की मैं बात कर रहा हूँ ये रिकॉर्डिंग 2016 की है दिसंबर की चपरासी से लेकर जहाँ जिसको मौका मिलता है वो टीका लगाता है हराम माल पे खुश होता है अगर चपरासी साहब अंदर बैठे हैं चपड़ासी के हाथ में या पीए के हाथ में आप 500 का नोट थमा दें कि भाई मैंने साहब से मिलना है तो क्या नोट वो आपको वापस कर देगा आमतौर पर नहीं बैठे बैठे साहब अभी अभी मिला तो वो जाएगा बस वो नोट जो है काम करता है ये तो बड़ी आम आप देखें फ़ाइल को देखें वो कहते हैं ना फाइल को पहिए लगाएं बाबू क्लर्क बाबू कहते हैं फ़ाइल को पहिए लगाएं आपकी फ़ाइल तो रुकी हुई है पहिए लगाएं इसको अब पहिए क्या है वही हराम माल है ये मिसाल के तौर पे मैं आपस कर रहा हूँ यानी अल्लाह पे यहाँ मज़मून हम पढ़ रहे हैं फ़लज़ीन बिल आखिर जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल क़लूब हम मुन के उनके दिल जो हैं वो इनकारी हैं यानी वो इनकार कर रहे हैं क़लूब हम मुन के रह बहुम और वो तकबर कर रहे हैं तो सामिकर ये आ, जो बात है कुलूब हूम मुनक आप सोच कि इनके दिल इनकारी हैं आज हमारे दिल इनकारी हैं किस चीज़ से यह मुराद क्या है इलाहुकुम इलाम वाहिद कि तुम्हारा महबूद जो है वो एक महबूद है तो ये बहुत सामिकर अहम आयत है अल्लाह ताला फरमाता है कि वाद फल लजीना लायमिनबिल आखिर जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकारी हैं क्लूब हम के रतन वहम मुस्तकबिरून तो जब दिल इनकारी हो गया सामने कराम तो फिर तो आप देख लें कि देखे असल में तो क्या है हमारा दिल इनकार कर रहा है किस चीज़ का अल्लाह ताला की तोहद का किस चीज़ से इनकार कर रहा है अल्लाह ताला को मकसूद वाहिद बनाने से इनकार कर रहा है यह मजामी मैं आपके सामने बैन कर रहा हूँ ये कोई अकेला मैं तो नहीं हूँ तो बयान होते रहे हैं मजमू कि भई ला महबूब अल्लाह, अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई महबूब हो ही नहीं सकता ला मकसूद अल्लाह अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई और मकसूद हो ही नहीं सकता ला महबूद अल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई ऐसी हस्ती नहीं है जिसके कहने के मुताबिक तुम जिंदगी गुजारो ये मजामी तो सामिन इकराम होते चले आ रहे हैं कहते चले आ रहे हैं लेकिन आप देखें लोगों की अक्सरियत हक सुनने के बावजूद हक के सामने सर झुकाने को तैयार नहीं है बल्कि वह फरीहू बिलहत दुनिया चूंकि दुनिया ही हमारा मंजिल और मकसूद है तो इसी पर हम खुश होते हैं सामने का यानी आप देखें हर आदमी जो है वो मज़ों की तलाश में है मजे और अब ये मज़े जो हैं वो फिर चलते हैं बचपन से लेकर जवानी और बुढ़ापे तक ये मज़े चलते रहते हैं तो फिर यह है कि इसका इसका जो है वो फ़ायदा क्या होता है इसका फ़ायदा यही होता है कि आप यानी मज़ों को जब आप अपना मकसद ज़िंदगी बना लें तो फिर जो है आखिरत की याद तो रह जाती है सामनिन इक्राम ये बात नोट कर लें सामिन इकरम कि दुनिया मज़ों की जगह नहीं है दुनिया अल्लाह की याद में गुजारने की जगह का नाम है अल्लाह की याद के लिए बसर करने का नाम है अल्लाह को मकसूद बना के अल्लाह की राह में जद्दोजहद का नाम ज़िंदगी है सामम ये मैं मुख्तसर बात कर रहा हूँ आप ज़रा नोट करें इसे दोबारा मैं ये जो अल्लाह की अल्लाह को मकसूद बना के अल्लाह की राह में जद्दोजहद करने का नाम क्या है जिंदगी और अगर ये नहीं है तो फिर मौत है सामने निकरा फिर मौत वारिद हो जाएगी ये बात नोट कर लें सामने निकरा एक यानी बात मैं कह रहा हूँ इसको नोट कर लें फिर मौत वारिद हो जाए मौत वाकई हो जाएगी वो क्या है रूहानी मौत है वो क्या है इस्तराज है वो तंज्जल है यानी देखें हम आए हैं ऊपर जाने के लिए प्रवास के लिए ए तायरे लाहूती ए लाहूती परिंदे तो ये तारे लाहूत है हम तो लाहूत के परिंदे हैं हमने लाहूत तक पहुंचना है अल्लाह तक पहुंचना है हमारी परवाज़ जो है वो अल्लाह तक के लिए है लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते और दुनिया को हम देख रहे हैं दुनिया को मकसूद बना के जी रहे हैं तो फिर क्या है फिर हमारी तनजुली होती है साम्य कर कुरान की ज़बान में क्या है कि सदद ना हो असफल साफिलीन। फिर मैं इससे असफल साफिलीन तक पहुँचा देता हूँ वापस कर देता हूँ असफल साफिलीन। हमारी मंजिल जो है वो वहन है साम्य कर मंजिल क्या है एन ऊंचा मर्तबा लेकिन हम जा किस तरफ रहे है? सिज्जीन तक सिज्जीन को हमने अपनी मंजिल बना लिया है सबसे नीचे मुकाम सिंह इन्नल अबरार लफी नाइम व इन्नल फुजार लफी सिज्जीन औ कमाकाल अबरार नेकोकार नेमतों में होंगे नाइम और जो फाजिर है नाफरमान है वो सजीन में होंगे सिंह सबसे निचला दर्जा तो ने कराम ये एक तो ये बात नोट कर लें कि इस आयत आयत नंबर 22 के मुखातब जो हैं वो मैं हूँ और आप हैं और इसमें अल्लाह ताला हमें ये हमें आमादा कर रहे हैं कि तुम मेरी तोहद को मान लो मुझको अपना महबूब बना लो मुझको अपनी मंजिल बना लो और मेरे लिए जीना सीख लो और मेरे सामने सर झुका दो क्योंकि मैं ही तुम्हारा मबूूद वाहिद हूँ अलाकुम अला हम वाहिद अगर ऐसा नहीं करोगे तो इसका क्या मतलब है कि तुम तुम्हारा आखिरत पर ईमान नहीं है और उसका नतीजा क्या होगा कि तुम्हारा दिल जो है वो इनकारी हो जाएगा आज सामि इकराम वो वक्त है कि हमारा दिल इनकारी है मैं कहते हुए मुझे कुछ खुशी नहीं हो रही बहुत अफसोस हो रहा है लेकिन ऐसा है कि हमारा दिल अल्लाह के सामने सर झुकाने से इनकारी है मुकम्मल इताद अल्लाह ताला जो चाहता है उद खलूफ़ इसल में काफ़ा दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ बला तथा खुतवात शैतान शैतान के नक्श क़दम की पैरवी ना करो तो ये दिल का इनकार जो है सामने साविनिकराम आखिरत का इनकार आ गया तो दिल इनकार कर देगा तो चाहिए क्या कि आखिरत का इकरार कर लें आखिरत पर यकीन लें और यकीनन अक्ल भी मानती है कि हाँ आखिरत है जज़ाय आमाल होगी होनी चाहिए अक्ल मानती है जज़ाय आमाल होनी चाहिए इंसान की ज़िंदगी का नतीजा यहाँ सामने नहीं आ रहा उसके हाथ अगर दुनिया मकसूद है तो दुनिया उसके हाथ से चली जाती है तो फिर आखिरत पर ईमान लाना होगा ईमान बिल आखिरत ये सामने कराम हमारे ज़िंदगी में तब्दीली के लिए इसका हमें क़ायल होना पड़ेगा कि नहीं ज़िंदगी मेरी ये नहीं है जो मैं गुज़ार रहा हूँ ज़िंदगी वो है जो आगे आएगी इनत दारल आख़िरत लहील हयावान अल्लाह ताला फरमाता है वो असल ज़िंदगी है जो आखिरत की ज़िंदगी है वो असल ज़िंदगी है लौकान यालमुन काश ये जानते अगर ये जानते तो स्वामी कराम ये आयत जो एज ए होल अगर आप पढ़ें तो इलाकुम इलाहुम वाहिद अल्लाह ताला लोगो तुम्हारा मबूद एक है तुमने सिर्फ़ अल्लाह की बात माननी है अल्लाह के सामने सर झुकाना है अगर तुमने सर न झुकाया इसका मतलब यह है कि तुम्हारा आखिरत की ज़िंदगी पर ईमान नहीं है अगर तुम्हारा आखिरत कर आखिरत की ज़िंदगी पर ईमान नहीं है तो तुम्हारा दिल इनकारी हो जाएगा किससे तोहद से किस से क़ुरान से किससे रसूल की ताद से और हो चुका है हमारा दिल इनकारी है साम्य करम अल्लाह के सामने सर झुकाने से रसूल की इताद से आखिरत के लिए तैयारी से हमारा दिल इनकारी है हमारा दिल चाहता है दुनिया ख्वाहिश दुनिया लज्जात दुनिया इसके लिए हम सारी कोशिशें कर रहे हैं साम्यक्रम लेकिन ये हासिल होने वाली चीज़ नहीं है साम्य इक्रम दुनिया की ख्वाहिशात एक ख्वाहिश ख़त्म होती है तो दूसरी पैदा हो जाती है फिर से दुनिया मौत तो लेकिन अगर ऐसा हो गया सामि कि अगर अल्लाह को हमने मकसूद वाहिद ना बनाया गुफ्तु मैं समेट रहा हूँ और आखिरी जुमले कह रहा हूँ अगर अल्लाह को हमने अपना मकसूद वाहिद ना बनाया महबूब वाहिद ना बनाया तो हम उसे इलाह वाहिद नहीं बना सकते अब अगर ऐसा ना हुआ तो इसका क्या मतलब इसका मतलब यह है कि आखिरत की ज़िंदगी पर हमारा ईमान नहीं है यकीन नहीं है अगर ऐसा हुआ कि आखिरत पर यकीन ना हुआ तो हमारा दिल इनकारी हो जाएगा मर जाएगा वह मुस्तबिर और हमारा शुमार जो है मुतकबरीन में से होगा तकबर करने वालों में से ज़ाहिर है तकबर और क्या शैतान ने क्या किया था कि नहीं नहीं मानता अना में हो मैं इससे अच्छा हूँ अल्लाह ये हुक्म मैं नहीं मानता मैं इससे अच्छा हूँ मैं इससे बेहतर हूँ तूने इसको मट्टी से पैदा किया है मुझे आग से पैदा किया है मैं इससे बेहतर हूँ तो तकबर फस्तकबरा, तक बरा वक्ाना एक हुकम के ना मानने से वो उसने तकबर किया और गुमराह हो गया सामने कराम मैं तिलावत करता हूँ मेरे साथ दोहराइए आज़बिल्लामिन शायद रजीम بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون तर्जुमा सुना दीजिए इलाह कुम तुम्हारा एक महबूद है बिल आखिरा जो लोग आखिरत की जिंदगी पर यकीन नहीं रखते उनके दिल इनकारी हैं कुलूब हम मुनकर उनके दिल इनकारी हैं वह मुस्तकबिरु